अच्छा, कहानी किसी की भी हो, जिक्र हमेशा जोड़ियों का होता है, और जोड़ियां मतलब जय वीरू कह सकते हैं आप। लेकिन जोड़ी एक क्रिकेट के मैदान में बहुत याद आ रही है आज, क्यों? क्योंकि दोनों ने ही एक साथ एक ही दिन पे, कुछ मिनटों का फासला था बस, संन्यास की घोषणा कर दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बात करने जा रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी के सबसे वफादार, सबसे खास, सबसे अहम जोड़ीदार की, सुरेश रैना की बात करने जा रहा हूँ। सुरेश रैना जो कि गाज़ियाबाद के एक ऐसे परिवार से निकल कर आते हैं जहाँ पर ना तो साधन थे, ना सुविधाएं थी, संपन्नता तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया, उसके बाद बॉयज़ हॉस्टल का जिक्र है उनकी कहानी में, उसके बाद उस पूरे के पूरे सफ़र की, एक तरह से पूरे सफ़र की कहानी है, जिसमें उन्होंने यूपी की टीम को भी लीड किया, जिसमें उन्होंने यूपी की टीम से भी खेला, लेकिन उसके बाद जब राहुल द्रविड़ की कप्तानी में उन्होंने डेब्यू किया और भारतीय टीम में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक ऐसा फील्डर, मतलब सुरेश रैना को देखकर मुझे सबसे पहले जो मेरे जहन में जो बात आती है, और आपके जहन में जो भी बात आए वो आप निश्चित तौर पर हमें बताइएगा कमेंट करके, लेकिन सुरेश रैना के बारे में बात करके जो पहली बात जहन में आती है वो आती है एक बहुत शानदार फील्डर। मतलब उसके बाद कई आए, रविंद्र जडेजा का नाम है, विराट कोहली का नाम है, केएल राहुल का नाम है, तमाम फील्डर्स का नाम है उसमें जो कि बहुत कमाल के फील्डर्स हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ से पहले, युवराज सिंह से पहले बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी थी। अजहरुद्दीन बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, फील्डर थे, अजय जडेजा बहुत अच्छे फील्डर थे, इसके अलावा मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह का जिक्र मैंने किया, लेकिन एक खिलाड़ी इन सब के बीच में आता है, उनका नाम है सुरेश रैना, बहुत शानदार फील्डर। लेकिन उसके बाद आज जब हम सुरेश रैना को याद कर रहे हैं तो एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत स्टाइलिश था, एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको याद होगा वो मुकाबला जिसमें उन्होंने पहले भारतीय, जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने T20 100 लगाया था, वो पहले ऐसे भारतीय बने थे और पहले दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिनके तीनों फॉर्मेट में 100 थे। जिसमें वनडेज़ का भी जिक्र है, जिसमें टेस्ट मैचेस का भी जिक्र है और T20 का भी जिक्र है, पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में पहला शतक लगाया था, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले एक पहले खिलाड़ी थे वो। T20 क्रिकेट में सबसे पहला शतक भारत की तरफ से सुरेश रैना का था। तो बहुत कमाल की उनकी ये पारियाँ जो हैं वो उनको आगे ले जाती हैं, और फिर मुझे जहन में बहुत अलग अलग बातें आ रही हैं, और 2018 में मैंने उनसे बातचीत की थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मुझे याद है 2018 में जब चेन्नई सुपर किंग्स वापस आ रही थी 2 साल के बैन के बाद, तो सुरेश रैना जिस तरह के कॉन्फिडेंस में थे, और उस साल आपको याद होगा चेन्नई सुपर किंग्स जीती भी थी ट्रॉफी को, सुरेश रैना से जो मेरे सवाल थे उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि हम आसानी से जीत सकते हैं, हमारे पास वो टीम है। और उसके बाद मैंने उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में भी उनसे सवाल किए थे जिससे वो बहुत होपफुल लग रहे थे। अचानक से एक ऐसा लगा जैसे सुरेश रैना ने बहुत जल्दी कर दी इसको करने में। 33 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगर आप क्रिकेट को देख रहे हैं, क्रिकेट को समझ रहे हैं, 33 साल की उम्र में कोई भारतीय खिलाड़ी, बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी संन्यास की घोषणा नहीं करते हैं 33 साल की उम्र में, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास आता है, उसके बाद अभी लोग उस झटके के बीच ही रहते हैं कि यार धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर अचानक से खबर आती है कि सुरेश रैना ने भी उसी के साथ संन्यास का ऐलान कर दिया है। 10 से 15 मिनट का अंतर था दोनों के संन्यास के बीच में, और मुझे ये लगता है कि दोनों, क्योंकि परसों ही निकले हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी थे रांची से चेन्नई निकले हैं, सुरेश रैना गाज़ियाबाद से चेन्नई निकले हैं, तो इन दोनों के बीच ज़रूर कोई ना कोई बात हुई है। बातों में ये साफ हो गया कि अब दोनों क्रिकेट से अलविदा कहना चाहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का तो देखिए पहले से तय था, लेकिन सुरेश रैना ने निश्चित तौर पर उनसे बात की होगी, और इस पूरी की पूरी बातचीत में जो सारी चीज़ें निकल कर आई उसमें सुरेश रैना को आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? मुझे एक 2011 का किस्सा याद आता है, सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे सुरेश रैना के जस्ट बगल में, दोनों अगल बगल बैठे हुए थे, ड्रेसिंग रूम की बात है, मुकाबला चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारतीय टीम, महेंद्र सिंह धोनी आउट हो चुके थे और भारतीय टीम उस वक्त भी जीत से कोसों दूर थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया फिर भारत का सपना तो नहीं तोड़ देगा। सपना तोड़ने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2003 याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के वर्ल्ड कप का सपना हमारा तोड़ दिया था एक बार फिर, और इस मैच को देखने के लिए भारत के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हुए थे। तो क्योंकि ये मैच गुजरात में हो रहा था, अहमदाबाद में ये मुकाबला हो रहा था, और प्रधानमंत्री उस वक्त पे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और नरेंद्र मोदी उस मैच को देखने पहुंचे हुए थे। किस्सा ये है कि सुरेश रैना जब महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद बैटिंग करने जा रहे होते थे तो सचिन तेंदुलकर उनका हाथ पकड़ते, रोकते और कहते सुनो मैच खत्म करके आना। जब इतना बड़ा खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर के कद जैसा खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी को उस समय पे ये कह दे कि मैच खत्म करके आना, क्योंकि उस समय पे आप देखिए सुरेश रैना की उम्र महज 23 से 24 साल थी,
23 से 24 साल का एक लड़का जो कि वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, सामने कौन है जो 2007 में चैंपियन टीम है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसके सामने उसके गेंदबाज आग उगल रहे हैं उस समय पर। सचिन तेंदुलकर ने एक 50 लगाई थी मुझे याद है, लेकिन 50 लगाने के बाद वो आउट हो गए थे। सुरेश रैना सचिन तेंदुलकर को जवाब में कहते हैं बाजी खत्म कर कर आऊँगा, उसके बाद कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। युवराज सिंह का वो चौका, वो कवर ड्राइव हर किसी को याद है जो उन्होंने ब्रेटली के अगेंस्ट लगाया था। सुरेश रैना की वो साझेदारी, उससे पहले वो कोई मैच नहीं खेले थे, उससे पहले यूसुफ पठान को सारे मुकाबले मिल रहे थे, लेकिन इस पारी के बाद वो सेमीफाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेले, वो फाइनल श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेले। हालांकि श्रीलंका के अगेंस्ट उनको बल्लेबाजी करने का मौका आया ही नहीं, वो अच्छी बात है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ही मुकाबले को ख़त्म कर चुके थे। लेकिन सुरेश रैना की वो पारी मुझे बहुत याद आती है। एक और पारी जो मुझे बहुत याद आती है सुरेश रैना की, वो 2000, और मैं अंतर्राष्ट्रीय पारियों की बात कर रहा हूँ, आईपीएल में तो उनके पारियों की झड़ी लग जाएगी अगर मैं बात करना शुरू करूँगा। वो तो मिस्टर आईपीएल कहलाए जाते हैं, सीएसके के लिए नंबर 3 पे उन्होंने जो बल्लेबाजी की, आईपीएल का अगर सबसे बड़ा कोई बल्लेबाज है रनों के लिहाज से, कंसिस्टेंसी के लिहाज से, वो सुरेश रैना है। लेकिन एक पारी जो मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की और बता रहा हूँ आपको, वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेली थी, युवराज सिंह आपको याद होगा, और आखिरी ओवर तक वो मैच जा रहा था लेकिन विनिंग शॉट उसमें सुरेश रैना ने लगाया था, आखिरी बॉल पे उन्होंने चौका जड़ दिया था, भारत उस मुकाबले को जीत गया था। मेरी नज़र में सुरेश रैना एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि लेफ्ट हैंडर, वो लेफ्ट हैंडर जो बहुत क्लासी बल्लेबाज था, जिसमें हल्का सा जो टच था वो खासतौर पर जो वो इनसाइड आउट शॉट्स मारते थे कवर्स के ऊपर से, वो बहुत आला दर्जे के शॉट थे। उनकी फील्डिंग के हम और आप हमेशा मुरीद रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में वो अभी खेलते हुए दिखेंगे हमें, और आपको शायद कुछ और साल खेलते हुए दिखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जाने में थोड़ी सी जल्दी कर दी सुरेश रैना ने। शायद महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि देखिए आप हमेशा से ये मानते हैं कि जोड़ीदार रहे एक साथ एक तरह से दोनों, और सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की एक साथ जो साझेदारी थी उसने शुरुआत की 2005 से, और 2005 के बाद 2020 तक, हालांकि उन्होंने जो आखिरी मैच साथ में खेला था वो 2015 में इंग्लैंड में खेला था, जहां पर मुझे याद है कि सुरेश रैना ने पहला शतक अपना भारत से बाहर और ख़ासतौर पर इंग्लैंड की ज़मीन पर जड़ा था। तो ये जो कहानी है ये सुरेश रैना की वो कहानियां हैं जिनमें आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें तलाश सकते हैं। और मुझे याद है क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप भारत जीतती है और उसके बाद अनाउंस होता है कि सुरेश रैना शादी कर लेंगे, और यहीं होटल लीला में उनकी शादी हुई थी, और सौभाग्य से मुझे उस शादी में जाने का मौका मिला था। तो उस शादी में उन्होंने निमंत्रित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि नहीं पहुंच पाए थे। उस शादी में उन्होंने निमंत्रण दिया था सचिन तेंदुलकर को, जो कि नहीं पहुँच पाए थे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पर पहुँचे थे, ड्वेन ब्रावो वहाँ पर पहुँचे थे। उस शादी में सबसे पहले पहुँचने वाले शख्स में एन श्रीनिवासन थे, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री उस वक्त पे अखिलेश यादव भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो बहुत बहुत सारी यादें हैं सुरेश रैना को जोड़कर, अगर आप इस तरह से देखें कि चीज़ें किस तरह से जुड़ती हुई चली जाती है, लेकिन हर कोई याद तो करेगा उन्हें निश्चित तौर पर, एक बहुत शानदार फिनिशर के तौर पर, एक बहुत शानदार क्रिकेटर के तौर पर, और ख़ास तौर पर एक बहुत शानदार ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का साथ तो था ही, लेकिन अपना कम से कम एक योगदान उन्होंने भारतीय क्रिकेट की तरफ दिया है। आईपीएल में जैसा मैंने कहा वो खेलते हुए दिखेंगे और वो मिस्टर कंसिस्टेंट कहलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।